आइसक्रीम तो हम सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले बहुत ही अनोखी किस्म की आइसक्रीम। वेनिला, चॉकलेट, ये सब पुराना हो गया भाई, मार्केट में आ चुका है मिर्च का आइसक्रीम। जी हाँ, आपने सही सुना, मिर्च का आइसक्रीम। और इस आइसक्रीम को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि इनके दुकान पे मिर्च के आइसक्रीम को खाने के लिए लाइन लगती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मिर्च के आइसक्रीम को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। सो गाइस, अभी हमें मुंबई के खाऊ गली में, जहां हम टेस्ट करने वाले यहां का मोस्ट फेमस रोलर कोस्टर आइसक्रीम। आप जो ये कंटेनर देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें बर्फ और नमक की लेयर बनाई जा रही है, जिसमें पहले बर्फ डाला जा रहा है और फिर नमक को डाला जाएगा। इसमें बर्फ और नमक इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि बर्फ से ही कुल्फी बनेगी और नमक बर्फ को जल्दी पिघलने से रोकेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें हर एक लेयर को बनाने के बाद लोहे से मार मार के आइस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जा रहा है, जिससे कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आइस को भरा जा सके। फाइनली 10 से 15 मिनट के इस कठिन परिश्रम के बाद आइस और नमक की लेयर बन चुकी है, और अब इसमें रबड़ लगा के इसे अच्छे से पैक किया जाएगा, और फिर उसमें चारों तरफ से नट लगा के अच्छे से टाइट किया जाएगा। और अब इसे 3 लोग मिल के उठा के मशीन के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि भले ही आपको ये कंटेनर छोटा लगे, लेकिन ये 130 केजी का है। मशीन को सेट करने के बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाएगा, जहां इसे करीब 10 से 15 मिनट तक घुमाया जाएगा, जिससे कंटेनर अच्छे से ठंडा हो जाए। जब कंटेनर अच्छे से ठंडा हो जाता है, तब इसके ऊपर मिल्क को डाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मिल्क को अच्छे तरीके से डाला जा रहा है, और फिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि लोग इसके ऊपर और भी ना जाने कितने सारे फ्लेवर्स डालते हैं, बट यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारे वैरायटीज के आइसक्रीम मिल जाएंगे। जैसे ही आप ऑर्डर करोगे, आपको उसी फ्लेवर का आइसक्रीम आपके सामने रेडी करके दिया जाएगा। तो गाइस, हमने ऑर्डर किया था मिर्च का आइसक्रीम, तो चलिए देखते हैं इसकी मेकिंग। सबसे पहले इसको बनाने के लिए पेरू को लिया जा रहा है, और पेरू को रोलर के ऊपर घुमाया जा रहा है। यहाँ इस आइसक्रीम को बनाने के लिए पके हुए पेरू का यूज होता है। उसके बाद इसे नीचे से निकाला जाएगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेडी हो गया है, तो नहीं भाई, अब इस आइसक्रीम के ऊपर डाला जाएगा रेड चिली पाउडर। भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे टेस्ट करूं, इसलिए यहाँ के कस्टमर से बात करते हैं कि उन्हें ये आइसक्रीम कैसा लगा। आप क्या खा रही हैं? बता। हाय, आई एम हैविंग पेरू, मिर्ची पेरू। अच्छा, व्हाट इज दिस पेरू? लाइक ये थोड़ा यूनिक सा नाम लगा। अमरूद, राइट। जैसे कि हम लोग कोलकाता में अमरूद बोलते हैं, मुंबई में पेरू का मतलब होता है गुआवा। तो आपने टेस्ट किया अभी? यू हैवंट टेस्टेड येट? ओके, आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि आप टेस्ट करके मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, आई एम गुड। आप प्लीज टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आई हैव इट टू। नो, वी हैव वन मोर सेलिब्रिटी इन द हाउस। शाहरुख खान। नो नो, रुक रुक खान। सो व्हाट्स योर नेम बाय द वे? सुफियान। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम मुंबई। मुंबई से? चेंबूर। चेंबूर। तो आप भी स्पेशली आज आइसक्रीम खाने आए हैं? यस, व्हाई नॉट। कैसा लगा आपको खा के? इट्स ऑलवेज डिलीशियस। सो आपको ज्यादा मतलब मिठाइयां ज्यादा पसंद है या फिर आपको? ऑफ कोर्स, किसे नहीं पसंद। आप कहां से हो? मैं कोलकाता से हूं, इसलिए मुझे मिठाई तो बहुत ज्यादा पसंद है। आवर नेबर इज बंगाली। अच्छा, सो इवन वी गेट टू ईट लॉट ऑफ स्वीट्स बिकॉज़ शी ऑलवेज हैज स्वीट्स एट हर होम एंड शी कीप्स ऑन गिविंग अस मेनी मेनी स्वीट्स, सो वी आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। अमेजिंग। सो इट वाज रियली नाइस एंड लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।